हेलो दोस्तों, जय हिंद। डॉगीज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ आज मैं बात करने वाला हूँ रॉटवाइलर की क्वालिटी के स्कोप पर। दोस्तों, मार्केट में बहुत पप्स अवेलेबल है, अलग अलग क्वालिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग उनके फीचर्स होते हैं और लोग सेल करते हैं। तो आज इस वीडियो से मैं आपको अलर्ट करने वाला हूँ कि अगर हम रॉटवाइलर लेने चाह रहे हैं तो हम किन बातों का ध्यान रखें उनको लेने से पहले, और अगर हम एक अच्छा अमाउंट लगा रहे हैं तो हमें किस क्वालिटी का पपीज़ मिलना चाहिए, और अगर हम कम क्वालिटी लगा तो कैसा होना चाहिए। हमें साथ अवेयरनेस करने के लिए आज मैं तीन क्वालिटी के रॉटवाइलर आपके पास लेके आया हूँ। स्टार्टिंग करता हूँ एक गुड पेट क्वालिटी से, जो कि एक अच्छा घर पे रखने की। देखो, सभी लोगों को शो नहीं कराना, सभी लोगों को शानदार पप्पी नहीं खर्च करना, सभी के बजट 25-30-35-40 हज़ार नहीं होता। सो दोस्तों, एक ये रॉटवाइलर फीचर्स है, आप इसमें देख सकते हैं इसका हेड साइज़ जो कि काफ़ी अच्छा है, इसका स्टॉप शानदार है। सो फ्रेंड्स, आप चेक कर सकते हैं, ये एक अच्छा पेट क्वालिटी है, ये अच्छे पपीज़ है। दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं कि इसका हेड साइज़ काफ़ी शानदार है, इसका बोन साइज अगर देखा जाए बोन साइज़ काफ़ी अच्छा है, इसका स्टॉप देखा जाए वो भी अच्छा है, फेस और मजल्स काफ़ी हैवी है, एंड आप ये देख सकते हैं। तो इस क्वालिटी का दोस्तों घर पे रखने के लिए, क्योंकि सभी लोग नहीं चाहते कि शो क्वालिटी पैसा खर्च करना, घर पे रखने के लिए इजीली जो डॉगीज वर्ल्ड है या कहीं और से लो, 15,000 रुपये में आराम से मिल जाता है। अगर आपका बजट 15,000 रुपये है, 15,000 इन्वेस्ट करना है, तो आपको ये क्वालिटी लेना है। दोस्तों, मैंने देखा है कई लोग हैं और जो इस क्वालिटी को शो क्वालिटी बोल के 25-25-30 हज़ार का सेल कर रहे हैं, तो वो टोटली फेक है। आप ये देख सकते हैं बच्चा बहुत शानदार है, बट इसके लिए आपको 25-30 हज़ार रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 25,000 रुपये खर्च कर रहे हैं तो उसके लिए एक ऐसा पप्पी होना चाहिए, उस 25,000 रुपये पप्पी को भी मैं आपके सामने अभी लेके आने वाला हूँ, और उनको आपको मैं डिफ्रेंशिएट करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप 15,000 रुपये खर्च करना चाहते हैं तो इस क्वालिटी का पप्पी लीजिए, इससे नीचे मत लीजिएगा, क्योंकि मार्केट में दोस्तों इससे हल्के एंड सस्ते पप्स भी अवेलेबल है जो कि आराम से 7-8-10 हज़ार, बट वो टोटली मतलब रॉटवेलर के नाम पे धब्बा, क्योंकि एक रॉटवेलर मतलब सब समझ, एक जाइंट ब्रीड, 27-28 इंच हाइट, हरकुलस मस्कुलर, एक लंबा छोड़ा शानदार ब्रीड, और उसके सामने अगर हम ऐसा एक डॉर्मेंट टाइप बच्चा निकले तो वो उसकी इंसल्ट है, बट उस पुअर ब्रीडिंग का नतीजा है। उस पुअर ब्रीडिंग में क्या होता है दोस्तों, वो भी मैं आपको इस टॉपिक में आज मैं बात करने वाला हूँ, उसके ऊपर मैं खुल के बात करने वाला हूँ। सो अब मैं नेक्स्ट लेगा तो आपके लिए 25,000 का रॉटवाइलर्स। सो फ्रेंड्स, ये जो क्वालिटी मेरे हाथ में है, ये है 25,000 रॉटवाइलर मेल। अगर दोस्तों को 25,000 रुपये खर्च करना है तो आप इस क्वालिटी का रॉटवाइलर लीजिए। आप ध्यान दीजिएगा इसमें क्या खास बात है, अगर आपको मैं डिफ्रेंशिएट करना चाहूँ तो आप मेरे हाथ में दोनों बच्चे हैं, आप खुद देखिए इन दोनों का हेड साइज़ में ही डिफरेंस है, बोन साइज़ देखिए, दोनों का बोन साइज़ में फ़र्क है, कलर टेक्सचर उसमें फ़र्क है, और आप देख सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस है। दोनों को मैं ट्राई किया, सेम एज पपी मिले, हाँ जी हाँ, ये दोनों ही सेम एज की पपी है, एंड क्वालिटी आपके सामने इन दोनों की है। अगर आप दिखाना चाहूँ, इसका हेड साइज़ इससे बड़ा है, अगर इसका स्टॉप भी देखा जाए तो इसका शानदार है। इसका पोज की अगर हम बात करते हैं तो आप ये देख सकते हैं, पोज में दिख रहा है दोस्तों आपको कितना फ़र्क है। तो कहने का मतलब ये है कि एक जो इसके जो 25,000 अगर आप खर्च करना है तो एटलीस्ट गो फॉर ऐसा दिस क्वालिटी, ऐसा ना दोस्तों आपको दिखाए ऐसा और दे दे ऐसा। और अमूमन होता है कस्टमर बेचारे काफ़ी शरीफ होते हैं, उनको उतना अवेयरनेस नहीं होता। मैं तो इस लाइन में काफ़ी टाइम से हूँ तो मैं डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ, बट आम लोग इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं और उनका धोखा जाता है। तो अगर आप भारी भरकम अच्छे रकम खर्च कर रहे हो तो आपको ध्यान देना है, इस कैटेगरी का रॉटवाइलर आपको लेना है। आप ये देख सकते हैं दोनों में मैंने डिफ्रेंशिएट करना चाहा, जबकि दोस्तों एक बात और भी है कि इन दोनों में ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं है। अगर यहीं पर दोस्तों हमने देखा है कि मार्केट्स में कई लोग जो है रॉटवेलर के नाम पे एक मतलब बहुत ही पुअर क्वालिटी डील कर रहे हैं, आप उन सतर्क रहें, अलर्ट रहें। दोस्तों, अगर बात करता हूँ शो लाइन की दोस्तों, तो जो इसके पेरेंट्स हैं, मदर एंड फादर है, दोनों केसेस सर्टिफाइड है, और इनकी क्वालिटी काफ़ी है, जैसे इनके एज कम्पेयर टू इससे काफ़ी अबव है, जिसके 25,000 का है, ये 15,000 का है, इसके फादर के एसीआई है बट मदर नॉन के एसीआई है, और जैसे बात है थोड़ा सा ब्रीडिंग का फ़र्क एंड क्वालिटी भी फ़र्क पड़ता है। सो अगर आप 15-25 में ले जा रहे हैं तो आप इस टाइप का पपीज़ लीजिए, आप बोलिए भैया उनका है चाहिए बोन साइज़ वगैरह उनका, ये देखिए आप, ठीक है ना। सो पैसे दोस्तों आपके, पैसा आपका है, सोच समझ के लगाए,
ठीक है ना। एंड वन मोर थिंग दोस्तों, मैं ट्राई करता हूँ हमेशा यू नो क्वालिटी ऑफ ब्लीडिंग्स में डील करना। तो अगर आपको 25,000 पप्स चाहिए, 35,000 का पप्स चाहिए, तो आपको वेट करना पड़ेगा दोस्तों। ऐसे पिन पप्स के लिए मुंबई वाले भैया पिछले 1.5 महीने से वेट कर रहे हैं। तो 1.5 महीने से उन्होंने उनका, मैंने कहा भैया जब भी मेरे पास शानदार पपीज आएंगे मैं आपको अपने खुद दूंगा। इनफैक्ट जो पपीज दोस्तों, जो इनका अभी प्रेजेंटली ओनर है हमारे योगेश त्यागी भैया, बहुत नपी तुली ब्रीडिंग करते हैं, बहुत सोच समझ के ब्रीडिंग करते हैं, और उन ब्रीडिंग का रिजल्ट है इतने शानदार पपी। अगर हमें पैसे कमाना होता तो हम जो मर्जी फीमेल आए हम उसको मेटिंग करवा के पैसा कमा सकते हैं, पर दोस्तों ऐसा होता नहीं है। हमारे पास कई फीमेल्स आते हैं, योगेश भैया के पास कई फीमेल आते हैं, त्यागी भैया के पास हमारे पास मेटिंग होने के लिए, हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड मना करते हैं, भैया ये फीमेल हमारे मेल की टक्कर की नहीं है और इसमें क्या आने वाले टाइम में वो क्वालिटी नहीं निकल पाएगा, हम उसको मना कर देते हैं, ताकि एक अच्छा कॉम्बिनेशन के एक लो क्वालिटी पपीज़ मार्केट में ना आ जाए, जिसकी वजह से रॉटवेलर का नाम ख़राब ना हो। तो हम पैसे नहीं कमाने के, जब पैसे भी कमा सकते हैं बट वो नहीं करते हम। अगर फीमेल भी टक्कर की है तो हम मेटिंग कराते हैं, ताकि जो कल बच्चे हैं इस क्वालिटी के हो और ब्रीडिंग में हमारे इंडिया के भी नाम ऊपर हो। और दोस्तों ये तो फिर भी एवरेज है। सो दोस्तों, अगर आपको क्वालिटी ऑफ पप्स लेना है तो इंतज़ार करना पड़ेगा। हमारे पास यू नो हम बहुत नपी तुली ब्रीडिंग करते हैं। अब त्यागी भैया कई लोगों को मना करते हैं, अगर हम पैसे त्यागी भैया को पैसा कमाना होता, हमें पैसा कमाना होता, मैं रोज़ दोस्तों 10 रॉटवेलर बेच, क्योंकि मैं गढ़ में बैठा हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या, अभी यूट्यूबर जो दिल्ली के लड़के यूपी के हैं वो आते हैं हमारे पास, पपीज लेके जाते हैं। दोस्तों अगर हमें पैसा कमाना हो तो हम रोज़ ऐसे पपीज दिखा के हज़ारों पपीज बेच सकते हैं, क्योंकि हम गढ़ में बैठे हमारे पास बहुत अवेलेबल है, बट नहीं, रेपुटेशन है नाम भी। एंड अच्छा लगा, अब जितने भी डॉग्स हमारे गए वो बड़े होने लगे हैं, वो अब इनको आउटपुट दिख रहा है और वो शानदार डॉग बन रहे हैं, तो उनको देख के और 10 कस्टमर आ रहे हैं। सो इम्पॉर्टेंट है, और आप देख सकते हैं इन सब साइज़ में, इनके बोन साइज़ में ये देखिए, ना। सो जितना गुड़ उतना मीठा, ये मेरी कहावत है दोनों 202% प्योर, बट क्वालिटी अकॉर्डिंग है। सो दोस्तों अब बात करते हैं इनसे अप क्वालिटी की। फ्रेंड एज में वो थोड़ा बड़ा है, इसलिए थोड़ा सा वह इनको रख के मैं अब नेक्स्ट सीरीज में कहता हूँ एक इनसे हाई क्लास पपी की। फ्रेंड्स हेलो अगेन बैक विद अ फैबुलस ब्लड लाइन पपीज। नेक्स्ट सीरीज है 15 हो गया, 25 हो गया, रॉटवाइलर मेल। आप वैसे इनको ऐसे होल्ड करते हैं, यू कैन चेक, हम उठा लेते हैं शेयर का, आप चेक कर सकते हैं हेड साइज बहुत शानदार है पपी का। एंड एयर देखिए, लॉन्ग चिपका हुआ, कलर्ड सेगमेंट शानदार, बोन साइज अगेन फैबुलस, मेरे चार उंगली के साथ बोन साइज है। फादर अगेन फैबुलस और बहुत शानदार, और पपी का बॉडी वेट भी काफ़ी अच्छा है एंड क्वालिटी बहुत ही शानदार है। फादर इम्पोर्ट ब्लड लाइन, एंड जो अपना मदर है वो इंडिया चैम्पियन लाइन की है, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन है, इजिली अवेलेबल नहीं होता हम लोगों को, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 महीने की वेटिंग में पपीज आते हैं। इस क्वालिटी की अगर बात करते हैं तो इसकी प्राइसिंग है 45,000 है, पर 45,000 अगर आप खर्च कर रहे हो तो आप देख सकते हैं हेड साइज क्वालिटी। तो दोस्तों हर बार जो होता है, हमेशा जो क्वालिटी होता है वो पपीज़ जो होता है उनके प्राइसिंग है उनके क्वालिटी के अकॉर्डिंग होता है, जैसा क्वालिटी वैसा प्राइस। ऐसे पपीज़ अगर आपको मुझे चाहिए तो आप चाहते फट से फ़ोन कर आ जाए, पॉसिबल नहीं है, आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे क्वालिटी प्रोवाइड करना है। मैं चाहता हूँ अगर जिस चीज़ के पैसे ले रहा हूँ उस चीज़ को आपको प्रोवाइड करना, इसके लिए आपको ब्रीडिंग करना पड़ेगा, एक प्रॉपर खुद की ब्रीडिंग में ट्रस्ट करता हूँ, खुद की ब्रीडिंग में रखना पड़ेगा। जैसे मेरे पास शानदार पपीज़ आएंगे तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊँगा। हाँ बेटा ना, 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 ना तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगा, ये परेशान हो रहा है, डेफिनेटली मैं बताऊँगा भैया पपीज़ आगे लीजिए। ऐसे नहीं है कि हमेशा 12 महीना अवेलेबल हो, ऐसा कुछ नहीं है। एंड नो 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 तो आप देख सकते हैं, अच्छा ये परेशान हो रहा है, इसको हम एसी में रखते हैं। वैसे हम पश्चिम में बैठे हैं पर गाड़ी हमारी ऑन है, एसी ऑन है, और ये बच्चे सारे गाड़ी में बैठे हैं। सो इसको रख दो। सो फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने 3 वेरिएशन लेके आऊँ, तो ये 3 वेरायटी क्यों आती है दोस्तों? ब्रीडिंग एक आम काम नहीं है, सबकी बस की बात भी नहीं और इजी टास्क नहीं है। अब मैं दोस्तों लो क्लास ब्रीडिंग में लोग क्या करते हैं कि हाँ भाई फीमेल ले लिए, उनके लिए कि हर उनको सोच के, कुछ लोग क्या होती है कि हर पीला चीज़ सोना होता है, ऐसा नहीं दोस्तों, हर पीला चीज़ सोना नहीं होता है। नपी तुली में ब्रीडिंग करनी चाहिए, अगर हमारा फीमेल टक्कर के एक अच्छी सुंदर अच्छी फीचर्स जो हमारे केसेस स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग फीमेल होने चाहिए, एंड जो मेल से मीटिंग करवानी है वो भी
के से स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर मीटिंग करवाएंगे तो जो कल पप्स आएंगे उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। कई बार क्या होता है, अच्छी कॉम्बिनेशन वजह से पप्पीज़ के कई बार क्वालिटी हाई पर नहीं आ पाती, इसकी वजह से उनको कॉस्ट फैक्टर का फर्क पड़ता है। सो ब्रीडिंग इज़ नॉट अ ईजी गेम, हमें सोच समझ के और पैसे के लिए नहीं। ये जो बंदा पैसे के लिए ब्रीडिंग करता है वो भूल जाओ कि वो प्रॉपर ब्रीडर है, आपको क्वालिटी देने वाला है, भूल जाओ। ब्रीडर जैसे मैं बात करता हूँ, मैं बहुत कम लोग, बहुत जितने लोग जाना है उसमें बहुत कम लोग हैं जो जेन पैसे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल जो अंकुश भाई लाडवा, उनके पास फीमेल आती है, फीमेल देखते टक्कर के नहीं है, वो मना करते भाई मैं मीटिंग नहीं कराऊँ। क्यों? उनका रेपुटेशन राम का माने कि अंकुश जी का डॉग है तो शानदार है, त्यागी भी है, अच्छी फीमेल नहीं आती मना कर देता, नहीं भाई ये फीमेल मेरे मेल के टक्कर की नहीं है, हम मना करते। उससे होता है कि अगर हम मीटिंग करवा दें पैसे के लिए तो क्या होगा, कल ब्रीडिंग होगा, एक एवरेज क्वालिटी डॉग्स निकले, इसकी वजह से क्या होगा, क्वालिटी लेवल डाउन हो जाएगा और इंडिया का नाम डाउन होता रहेगा। हम चाहते हैं कि अच्छी कॉम्बिनेशन, अच्छा सोच समझ के फीमेल का स्टैंडर्ड देके मेल का स्टैंडर्ड देके प्रॉपर मीटिंग कराए और एक हाई लेवल ब्रीडिंग हो, जिसकी वजह से रॉटवेलर कहते हैं तो रॉटवेलर या जो भी एक्सपर्ट, ये तो सभी केसेस में सुटेबल है कि अगर जो भी एक्सपर्ट डॉग्स है वो शुड बी, यू नो, शुड बी परफेक्ट। तो ब्रीडिंग बहुत दिमाग का खेल है, और जो अच्छे लोग ब्रीडिंग कर रहे हैं वो देख के मुझे प्राउड फील होता है कि वो पैसे के पीछे नहीं भागते, वो भागते फेम एंड नेम के पीछे कि कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, फीमेल कैसा होगा, मेल कैसा होगा, उनको कैसे वो करें ताकि बच्चे सुंदर हो। सो और रहन सहन, खाने पीने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, डॉग्स को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उनको किस तरह डाइट प्रोवाइड करना है, एसी एकोमोडेशन प्रोवाइड करना है। अभी हम बैठे हैं गर्मी में, बट हमारा डॉग एसी कार में एसी ऑन करके बैठा हुआ है, उस चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो हर चीज़ का लेवल है। एंड वन मोर थिंग दोस्तों, अवेयर हो जाओ लोगों से। आज आपको मैंने 15 25 35 तीन क्वालिटी दिखाया। अगर आप डॉग लेने जा रहे हैं, मैंने देखा है मार्केट में कई लोगों को कि जो जो 15 दिखाया उसी को 35 40 हज़ार का इम्पोर्ट अम्पोर्ट बोल के भेज देते हैं, ऐसा कुछ है दोस्तों। केसी सर्टिफाइड लीजिए, जो 15,000 पेट क्वालिटी इसमें विदाउट केसी आई है, 25,000 अब जो भी जाएंगे आपको विद केसी मिलेगा, जो मैं कह रहा हूँ लाइन वगैरह वो प्रॉपर लाइन वगैरह मिलेगा आपको, एंड हर एक चीज़ प्रॉपर मेंटेन होगा। और पैसा आपका है, सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए, एंड डॉग लेने से पहले जल्दबाजी मत कीजिए। कई लोग अभी देखिए, अब ये मुंबई वाले भैया 1.5 महीने से वेट कर रहे थे, अभी जो डॉग उनके पास जाएगा सुपर, गोरखपुर वाले भैया ने ये बड़ा पपी जो बुक किया, जब उनके पास जाएगा सुपर, तो ये जब स्टार्ट ये तैयार होंगे तो उनको फील प्राउड होगा। तो ये सब वेटिंग लिस्ट में जो अभी पपीज रेडी हुए हैं स्लो स्लो, तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्वालिटी के लिए वेट करना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं भैया जल्द, हमें आज चाहिए कल चाहिए, अगर आपके पास सेट है हम कहीं और से ले लेंगे, ले लीजिए आप शौक से ले लीजिए। अगर आप मुझसे लेना है तो देखो मैं आप कुछ भी तो कुछ ही बोल के दे सकता, क्योंकि जो बोलता हूँ वो पूरा करना पड़ेगा, वो वेट करना पड़ेगा दोस्तों। वेटिंग लिस्ट रॉटवेलर के लिए, लैब के लिए, जर्मन शेफर्ड, लॉन्ग कोट काफ़ी टाइम से मांग रहे हैं। अब क्या करूँ मैं, सिंगल कोट, मीडियम कोट को लॉन्ग कोट बोल के भेज दूँ मैं? दोस्तों भरोसा बहुत मुश्किल से बनता है, जो ट्रस्ट, फेथ, भरोसा आप लोगों ने मुझ पर किया है उसको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड उसके वजह से मैं टाइम लेता हूँ दोस्तों। तो अगर आपको पपी चाहिए तो मुझे टाइम दो, एंड जितना आप मैक्सिमम मुझे टाइम देंगे मैं उतना 100% दे पाऊँगा। महीना दो महीना वेट करना पड़े कर, क्योंकि देखो 10-12 साल रखना हम लोगों को, और अगर हमें 10-12 साल रखना है तो जाहिर सी बात है एक दो महीना तीन महीना वेट करना पड़े कीजिए, बट ऐसा हो कि आपको देख के प्राउड फील हो, हाँ यार मेरा डॉग शानदार, आसपास के लोग बोले कि भाई आपने रॉटवेलर लैब जर्मन शेफर्ड कहाँ से लाए, ये फीलिंग आना चाहिए। आप जल्दबाजी करेंगे दोस्तों तो उसमें लॉस आपका है, आपको वो क्वालिटी वगैरह प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। बाकी और भी कई बातें हैं, आस्ते आस्ते बैठ के बात करेंगे, अब दिल की बातें खुलना स्टार्ट हो गया, आस्ते आस्ते करेंगे दोस्तों। और बस कोई कमेंट्स में कॉरी, कई लोग कह रहे डबल एक्सएल और भी कॉर्गी वगैरह, तो सर जय बेल्जियम मैनोवर्स वगैरह, तो जिस ब्रीड के बारे में जब तक मैं दोस्तों पर्सनली स्टडी नहीं करता हूँ, मैं उस वो अपना मैं उतना उनके ऊपर आपको पैसे के लिए कमा नहीं सकता। यू नो, अब पैसे कमाने के लिए दोस्तों मैं आपको ये नहीं कह सकता ये ले लो वो ले लो, सो ठीक है ना। सो वेट कीजिए अच्छे पपीज़ का, एंड कई लोग कहते हैं इस वीडियो से वीडियो दोस्तों जब तक अच्छे पप्स नहीं आएंगे मैं वीडियो कैसे बनाऊँ मैं। सो वेट वेट करता हूँ, अच्छे डॉग्स का आएंगे डेफिनेटली बनाऊँगा, और आपको एक अच्छा डॉग प्रोवाइड करने का मैं ट्राई करता रहता हूँ। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मैक्सिमम अवेयरनेस करो कि ताकि लोगों को नुकसान ना हो। रॉट सस्ते भी आते हैं पर तो लोग सस्ते के चक्कर मत पड़ो दोस्तों, काफ़ी टाइम रखना है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, सोच समझ से करो। एंड वन मोर थिंग, एक अभी डॉग हमें तैगी भी ने इम्पोर्ट करवाया है सर्बिया, उसकी वीडियो मैं बहुत रिसेंटली बनाने वाला हूँ, वो सर्बिया इम्पोर्ट है। और एक मीटिंग अगेन बहुत अच्छी लाइन की फीमेल से मेट करवाए हैं, उन्हें कॉम्बिनेशन पपीज़ आएंगे तो डेफिनेट आपको लेके आऊँगा मैं, और उनकी प्राइसिंग बहुत हाई होने वाली है, तो जो लोग प्रीमियम कस्टमर है, प्रीमियम लोग है वो उसको ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप में एक छोटी सी बात है कि लोग 100 रुपये का भी गॉगल्स आते हैं, 100 रुपये घड़ी भी आती है, और 10,000 का भी आता है, हम क्यों खर्च करते हैं स्टेटस सिंबल वगैरह। तो
सोच समझ के कीजिए। जो क्वालिटी लवर है, जो प्रीमियम क्वालिटी क्लासिक चीज़ चाहते हैं, वेट कीजिए, टाइम देना पड़ेगा दोस्तों। सो हैव ए ग्रेट डे दोस्तों, जय हिंद।